दो महीने में नंबर बढ़ते रहता है। देखिए आंखों में धुंधलापन आ रहा था, आंखों में घाव की स्मृतियाँ थी, नर्व सूख रही थी, आंखों में भारीपन और चुभन की स्मृतियाँ थी। प्रणाम गुरुदेव। खुश हूँ, प्रसन्न। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। खूब प्रसन्न रही है। डीएनए में 6 लोग हैं, मैं, मेरे पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, बेटा की बहू, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा। देखिए ये सारे कष्ट ये सब नष्ट हुए, आपके बेटी के, बहू के, सब कॉमन कष्ट। त्वचा रोग की स्मृतियाँ थी, यूरिनरी ब्लैडर में सिस्ट बनाने वाली स्मृतियाँ थी, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, किडनी में घाव की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, पाइल्स की स्मृतियाँ थी, कंधों में भारीपन रहना, कमर में दर्द और जकड़न की स्मृतियाँ थी, ऑस्टियोपेनिया था, श्वास फूलती थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियाँ थी, आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, थायराइड की स्मृतियाँ थी, ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, रेक्टम में, रक्त में, हड्डियों में और कोलोन में। इतने सारे सब कष्ट, ऐसे आंखें गड़बड़ हो गई। हाँ गुरुदेव, मेरे पति जी की जो है ना हर दो दो महीने में नंबर बढ़ते रहता है। देखिए आंखों में धुंधलापन आ रहा था, आंखों में घाव की स्मृतियाँ थी, नर्व सूख रही थी, आंखों में भारीपन और चुभन की स्मृतियाँ थी। तो अपने पति देव को जरूर रखना संकल्प और बिटिया को रखना। गुरुदेव मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, बड़ी है, 30 साल की होने आई, और बेटा मेरा इससे छोटा है, उसकी शादी हो गई 1.5 साल पहले, और बहू को बच्चा भी होने वाला है। कोई बात नहीं, और अगर तो कल के संकल्प में अभी ये तो मतलब ये एक मतलब मैं अपने मन का भार बता रही हूँ, ये तो होना था, बेटे का हो गया, लेकिन अगर 4 जन्म में बताना पड़ता है तो शर्म लगता है कि बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है। ऐसा कुछ नहीं, इसमें शर्म की बात नहीं है, परंपरा में ऐसा मानते हैं लोग कि जो बड़ा है उसकी पहले शादी हो जाए, अगर छोटी की हो गई तो बड़े की क्यों नहीं हुई, ऐसे लोग बातें बनाते हैं। और आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी जॉब जो चेंज करना चाहती थी चेंज कर ली, और आप बोले थे कि अगर प्रयास करेगी तो हो जाएगा, तो हो गई है, लेकिन अभी आभार नहीं व्यक्त कर पाई है, वो आपसे आमने सामने नहीं आ पाई है, और बोलती है कि मैं तभी आभार व्यक्त करूंगी जब मेरे मन मुताबिक मेरी शादी होगी। उसके मन में क्या है? अच्छा आप जाने, बुलाओ, बता दे क्या उसके मन में। आ जाओ तुम भाई, आ जाओ, शादी क्यों नहीं होगी। गुरुदेव एक रिक्वेस्ट और है आपसे, मेरा बेटा सिगरेट पीता है गुरुदेव, वो संकल्प करेगा तभी छूटे, और ऑनलाइन जब स्वयं प्रेयर करेगा कि छुड़ा दिया, छूट जाएगी एक सेकंड में, और ऑनलाइन गेम में पैसा चला जो भी व्यसन है केवल संकल्प कर ले, अगले सेकंड छूट जाएगा, पता है दरबार की शक्ति के बारे में। तो वो नहीं सुनता तो मैं नहीं सुनेगा तो झेलता रहेगा इसे जन्म भर, जिंदगी भर। देखिए बेटा स्वस्थ वही होता है जो स्वस्थ होना चाहता है, ठीक है ना, जो स्वस्थ ही नहीं होना चाहता है उसको कौन स्वस्थ कर सकता है। एक आदमी सो रहा है, एक आदमी सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, एक आदमी सो ही नहीं रहा है, आंखें बंद करके लेटा, आप जगाते रहो नहीं जगेगा, तो सोते को जगाया जा सकता है जो कष्ट में है अपने प्रार्थना। दूसरा गुरुदेव, तहे दिल से मेरा रुआ रुआ दरबार को धन्यवाद कर रहा है, मेरा वन डे हो गया, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं जीवन में कर पाऊंगी, लेकिन हो गया, और वो भी बेटी और पति के साथ। बात प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अंजलि है, और मैं धन्यवाद करूंगी आपका, बाबा जी का, कि मेरी बीमारियां काफी कम हो गई हैं, जो भी अस्थमा का प्रॉब्लम था सब वो सारी चीजें नष्ट हो गई है। मुझे जॉब आपने ही कहा था एक बार कि आप प्रयास करो हो जाएगा, वो हो गया है, तो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। पर मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। शादी तो तब होगी जब तुम चाहोगी, पहली बात। शादी को लेकर के तुम खुद ही कंफ्यूज रहती हो, करना है कि नहीं करना भी तुम्हें डिसाइड ही नहीं है तुम्हारा, पर जो तो तुम्हें पसंद आता है वो परिवार वालों से बताती नहीं हो,
ठीक है, जो पसंद है परिवार लोग से डिस्कस करो, उसे भय कैसा है, ठीक। तो कंफ्यूजन मत रखो, आप कंफ्यूज हो इसलिए शादी तो आप ही को करनी है ना, आप ही कंफ्यूज हो तो कैसे शादी होगी। हाँ, तो उसको निर्भय होके आप बालिग हो, अपने माँ से तो डिस्कस कर ही सकते हो ना। हाँ, तो सब कुछ होगा बेटा, क्यों नहीं होगा। आप आंख बंद करके कोई दोस्त है आपको देखिए बता दो करने लायक है कि नहीं जी। और इस बच्ची का सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए, जो छोटा है बड़ा किया जाए, शादी के योग बनाए जाए, बड़ा करके शादी से उच्चाटन की, पुरुषों से भय की सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी, पुरुषों से उच्चाटन की सभी स्मृतियाँ नष्ट की गई, नष्ट करके सेवकों को खुला दिया। डिसीजन लेने में जो कमजोरी आ जाती थी, जो कन्फ्यूजन आ जाता, कन्फ्यूजन की स्मृतियाँ सब नष्ट की गई। प्रहार जब भी कोई डिसीजन लेना चाहे तो ठीक से डिसीजन ले पाए, वो स्मृतियाँ भर दी जाए, सक्रिय कर दिए, सक्रिय सभी भय नष्ट की जाए पुरुषों से। आंख खोलो, बंधन खींचो, पांच में वो बच्चा बहुत अच्छा है जो तुम्हारा दोस्त है, बच्चा बहुत अच्छा है, तुम ही कंफ्यूज रहती हो, वो कंफ्यूज नहीं, तुम बताने से डरती, इतनी बात है और क्या, सब अच्छा है। बताओ शादी करने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ। खुश हो तो आप हो जाएगी, आप आशीर्वाद दे देंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि पूरा आशीर्वाद है दरबार का, बाबा माँ का, ठीक है, खूब खुश हो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। ये जब भी मालूम पड़ा था कि मंदिर बन रहा है भोलेनाथ का, तो मेरे पति देव और बेटी थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकाल रहे थे, तो वही है मंदिर के लिए गुरुदेव, जो हमारे यथाशक्ति, खुश हो बेटा, खाली वही उतना। अब प्लस गुरुदेव मेरे पति देव पेट्रोल पंप पे कैशियर हैं, तो उनके हिस्से में इतना पैसा घटता है कि उन पे जो साथी काम करने वाले हैं गाली गलौज करते हैं, बोलते तुम घर पे अपने लेके जाते हो, और ऐसा नहीं है इनका सैलरी कट जाता है, वो भूल जाते केवल, अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज से, अब नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। हाँ गुरुदेव, क्योंकि सब सब इन पे ही है और कहीं कुछ नहीं है। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, धन्यवाद गुरुदेव, खूब खुश हो बेटा, धन्यवाद।